श्राद्ध पक्ष समापन के अगले दिन 26 सितंबर से नवरात्र शुरू हो जाएंगे। शहर में विजयदशमी तक नवरात्र के आयोजन होंगे व शुभ मुहूर्त में घट स्थापना होने के कारण भजन कीर्तन और भंडारे होंगे। नवरात्र को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। देवस्थान विभाग की ओर से दार देवी मंदिर परिसर में 26 सितंबर को घट स्थापना की जाएगी और इसके साथ ही 9 दिवसीय मेले का शुभारंभ होगा। वहीं शहर के विभिन्न मंदिरों में भी धार्मिक आयोजन होंगे। पंडित श्याम सुंदर शर्मा के अनुसार इस बार नवरात्रा हाथी पर बैठकर आ रही है व जिसमें प्रदेश में सुख शांति और खुशहाली का माहौल रहेगा। नवमी और दशमी एक ही दिन आएगी। जौ या गेहूं आदि का है, जो जौ का अभाव हो तो गेहूं भी ले सकते हैं। मिट्टी में जौ और गेहूं मिला करके और उस स्वास्तिक के ऊपर बिछा करके चारों ओर से आवर्तित करके उसके बीच में एक घट का स्थापन करें। घट के ऊपर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आह्वान करें। असंख्याता सहस्त्राणी ये रुद्रा अधिभूम्याम तेखा गुंग सहस्त्र योजने वधनवानी तनवसी अखंस असंख्य रुद्रों का आह्वान करके और एक पूर्ण पात्र रखें और पूर्ण पात्र पर जौ से या चावल से भर करके और एक श्रीफल के लाल वस्त्र लपेट करके उस पर मुद्रा रख करके और दाक्षायणी दिव्य नमः यह बोल करके और घट का स्थापन करें।